Hello guys, welcome to Write Home. I hope all of you are doing well. So in this video, I'm going to talk about my riding boots. In one of my previous videos, I have shown you I bought a gum boot as a riding boot, but कभी भी मैं वो यूज नहीं किया. दैट इज नॉट प्रॉपर टू यूज फॉर राइडिंग बिकॉज दैट डजंट लुक गुड कि आप एक गम बूट को एक राइडिंग बूट के हिसाब से यूज करो. मेरा उतना ज्यादा बजट भी नहीं था, सो मैं बहुत रिसर्च किया कि विद इन 1000 अगर कुछ राइडिंग बूट्स मिले तो फाइनली मुझे मिल गया पैरा ट्रूपर का एक राइडिंग बूट और मैं वो यूज कर रहा हूँ फॉर अराउंड 6 months. तो लेट मी शो यू दैट वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग. तो चलिए शुरू करते हैं पहले अनबॉक्सिंग. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू राइड होम माइंस येट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस वाज द बॉक्स ऑफ माय बूट व्हिच आई बॉट फ्रॉम Amazon एज माय राइडिंग बूट. तो ये रहा मेरा राइडिंग बूट. ये नॉर्मल राइडिंग बूट की तरह ही एंकल लेंथ तक है, तो शूज का हाइट काफ़ी बढ़िया है और दिखने में भी डिसेंट है. इवन दो इट डजेंट लुक लाइक अ प्रॉपर राइडिंग बूट, बट काम चलाने के लिए ठीक है. एक क्लोजअप लेके दिखा देता हूँ. तो इसका लेदर का क्वालिटी और स्टिच अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है. अगर सोल का बात करें तो इसका ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, जो आगे आपको ट्रिप का वीडियोस में देखने को मिल जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द सोल इज़ नॉट हार्ड, इसको आप हाथ से प्रेस भी कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा मेरा इस सोल का. तो ओवरव्यू तो आपने देख लिया, तो अभी आपको दिखाते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए इसको ख़रीदा गया वो कैसा था. 1 week later तो इस बूट का ओपनिंग किया मैंने मोजोनी ट्रिप से. वो उस ट्रिप का नाम लेते ही याद आ गया, वो ट्रिप काफ़ी मज़ेदार था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो. तो पूरा मोसोनी ट्रिप ख़त्म होने पर मेरा शूज का हालत कुछ ऐसा था, बस कुछ सैंड लगा हुआ था और बाकी सब एकदम बढ़िया था. Several days later. बस कुछ दिन बाद फिर से हम निकल पड़े अपना बांकुड़ा ट्रिप के लिए. बांकुड़ा ट्रिप काफ़ी अमेजिंग था, जिसका कुछ झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा. और इस ट्रिप में हुआ इस बूट का अल्टीमेट टेस्ट और ये शू पहन के मैं चढ़ गया सुसुनिया पहाड़ का टॉप में. चेक कर रहे हैं मेरा राइट शू पहन के. ये बूट का ग्रिप देखना है मुझे, बस स्किड ना कर जाए. स्किड ना कर जाए बस इतना शाख था बस. सुसुनिया के बाद हम गए मेजुआ, बिष्णुपुर, बिहारीनाथ और भी बहुत जगह और उसके बाद पहुँचे गोंगोनी गौड़बेता. थोड़ा सा स्लीपरी है इसलिए थोड़ा देख के जाना होगा. हम जा रहे हैं नीचे. गिरते गिरते बच गया.
दो तीन रास्ता है, उधर से तो नहीं जा पाएंगे शायद, इस रास्ते से शायद हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत है लेकिन ये बूट इतना अच्छा काम कर गया, कभी सोचा नहीं था। स्कीड किया तो खत्म, पूरा जूते के भरोसे। स्कीड कर नहीं रहा है बट कर सकता है। रास्ते से हम इधर से मना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि स्कीड कर रहा था, लेकिन ये शू भाई क्या काम करता है। Awesome. तो इतना रफ यूज के बाद मेरा जूता का अभी हालत है ऐसा। तो पूरा ट्रिप खत्म हुआ और ये रहा मेरा शूज। आज हुआ इस बूट का सबसे बड़ा इम्तहान। राइडिंग बूट पहन के कोई ट्रिक नहीं करता है, बट हमने ये बूट का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए ट्राई किए। हुआ क्या, इतना देर चलने के बाद ये साइड और ये साइड में थोड़ा दिक्कत कर रहा था। देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं। थोड़ा सा छिल गया आई गेस, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है। एनीवेज वो एक पॉन्स में गया, और एक पॉन्स जो बताएंगे हम वो है ये। ट्रेकिंग करने के बाद ऐसे फोल्ड हुआ था, मतलब जब हम चल रहे थे तो शूज ऐसे फोल्ड हो रहा था, तो इस साइड में और उसका इस साइड में थोड़ा सा बेंड हुआ है। अदरवाइज इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड व्हाइल राइडिंग ड्यूरिंग दिस बूट थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ मुझे, कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा कि बहुत भारी कुछ आप पहने हुए हो। सो फ्रेंड्स, यू हैव सीन के मैं उस बूट को कितना रफली यूज किया। मेरा दो तीन ट्रिप में, मेरा मौसमी ट्रिप में मैं पूरा वो बूट को यूज किया। उसके बाद मेरा बांकुड़ा ट्रिप में मैं 7-8 जगह कवर किया उस बूट में, जिसमें से हम सुसुनिया पहाड़ में छोटा ट्रैक किए उस बूट को पहन के, पूरा राइडिंग किए उस बूट को पहन के, गंगोनी गौरबेता में जाके वो पूरा बूट मैं यूज किया। लेकिन उतना रफ यूज के बाद भी ये बूट अभी भी परफेक्ट कंडीशन में है। अगर आप एक चीप राइडिंग बूट ढूंढ रहे हो जो क्वालिटी में अच्छा हो, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस बूट। उस बूट का परचेज करने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी एंड चीप राइडिंग बूट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देके जाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू राइडो माइंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राइडो माइंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड।